बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, रिक्वेस्टेड रेसिपी, और उसकी रिक्वेस्ट की थी मुझे समीना अहमद ने, उनका चैनल है समीना की दुनिया। तो उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ऐसी वो दाल दें जो बाजार में दाल चावल नहीं बिक रहे होते, वो ढाबा स्टाइल, और वो जो वो कहती मुझे उस दाल की रेसिपी चाहिए कि थी वो टेस्टी। तो क्यों नहीं, नौकर की थे नखरा की, बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। और ये इतनी मजे की, वाकई बहुत ही मजे की बनी जब मैंने बनाई थी। तो अब मैं ये समीना की रिक्वेस्ट पे आपको ये देती हूँ, वो दाल जो मिक्स होती है और उसमें साथ चावलों के साथ बेच रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने हाफ कप चने की दाल ली है, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। हाफ कप मैंने मसूर की दाल ली है, उसको भी 2 घंटे भिगो दिया था पहले। और ये 1/4 कप, यानी कि जितनी, अगर आप 1-1 कप लेती है तो हाफ कप ये मतलब उससे आधी मूंग की दाल लेनी है। 1/4 कप मूंग की दाल, इसको मैंने भिगो दिया था। और एक बड़े साइज का प्याज डालें या 2 दरमियाने साइज के प्याज डालें, और लहसुन के जवे 3 अदर, अगर छोटे हैं तो आप 4 डालें, और हरी मिर्च 3-4 ये मैंने डाली है। ये कुछ काफी हद तक कड़वी है, और टमाटर इसमें 2 डालने, और मैंने इसका छिलका उतारना है। अब मैंने इसलिए फ्रोजन ले लिया है क्योंकि फ्रोजन का छिलका आराम से उतर जाता है। और बाकी जो नमक मिर्च हल्दी जो भी चीज डालती मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जी लीजिए, इसमें मैं पहले दालचना डालती हूँ, मसूर की दाल, और ये मूंग की दाल, ये प्याज भी डाल देना साथ ही, और लहसुन भी, हरी मिर्च, और मैं ये टमाटर का छिलका उतार के डालती हूँ। और ये टमाटर मैंने इसमें टमाटर छिलका उतार के डाल दिए, और अब मैं एक दफा 1 गिलास पानी डालती हूँ, और फिर नमक मिर्च डाल के फिर बाकी बाद में पानी डालती हूँ। ये नमक 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, और ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सुरख मिर्च वो भी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, अगर आप कम या ज़्यादा करें, क्योंकि हरी मिर्चें भी कड़वी हैं। और ये और हल्दी, इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है। समीना की दुनिया उसकी चैनल का नाम है, आप ज़रूर विजिट करें, मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको चीज़ें, खाने की रेसिपियाँ भी, कॉस्मेटिक के मतलब बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू, नई चीज़ क्रीम वगैरह का, बहुत अच्छा उसका चैनल है। अच्छा, अब ये इसमें हल्दी भी डाल गई 1/2 टीस्पून, और अब मैं इसमें गर्म मसाला डालती हूँ, सॉरी ज़ीरा पाउडर, ये 1/2 टीस्पून। ओके, अब मैं आप ये मैं इसमें और पानी डाल के आपको बताती हूँ कितना पानी डलेगा। 1 गिलास मैंने डाल दिया था, और आप 2 गिलास बस इसमें। अब आपको ये आपके दालों में मुनसर, आपकी दाल आप जहाँ रहते हैं दाल उस तरह वहाँ पे कितना मुश्किल है, आप कुकर में भी गला सकते हैं। और अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ, जब ये तैयार होती है फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या डलेगा। ये देखिए दाल पकना शुरू हो गई है, और एक टिप है मैं आपको दे रही हूँ, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब आप दाल पका रहे हो, कोई भी दाल, एक तो साबुत लहसुन डालना चाहिए बीच में, वो तो बाद में जो तड़के में लगाते हैं वो अलग है, साबुत लहसुन। और दूसरा 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून जो है ना उसमें ऑयल डाल दें, कभी भी दाल पकती हुई बाहर नहीं गिरेगी, ठीक है। और एक और सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो वो लोग डालते हैं वो कनौर की टिक्की होती है वेजिटेबल की, वो डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैं, अब मेरे पास ये चिकन पाउडर था वो जैसे छूट गया ना, तो मैं इसके अंदर ये एक समझ लीजिए कनौर की टिक्की है वेजिटेबल, ये वेजिटेबल वाली मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ये सीक्रेट है उनका। तो अब ये साथ ही पकेगा, और जब जैसे ही दाल गलती है फिर मैं आपको बताती हूँ इसका तड़के लगाने के लिए क्या चीज़ चाहिए। ये देखें दाल 1/2 टर्न हो चुकी है, और देखें दाल बाहर नहीं गिरी, ऊपर तक गई है ये देखें उबल के, लेकिन बाहर नहीं गिरी, क्योंकि जब आप पकते वक्त 1 टेबल स्पून उसमें ऑयल डाल देंगे तो दाल नहीं गिरेगी बाहर। अच्छा ठीक है, उबल उबल के जैसे गंद पड़ जाता है चूल्हे पे भी, और देखिए का बुरा हाल। तो अब ये देखें साथ साथ इसको ऐसे घोंटते भी जाए, अगर आप उसे घोटना है उसे घोंट लें या चमचे से ऐसे करते जाए, तो ठीक है। अभी ये थोड़ी सी और इसमें कसर है, ये देखें मैंने बिल्कुल वो ये 2 गिलास पानी डाला, यहाँ दाल जल्दी गल जाती है इसलिए। तो आप अपने हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, जैसे ये हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब 1/2 टर्न हो चुकी है, लीजिए ये दाल तैयार है। और साथ साथ इसलिए देखें मैं ये, वो लोग तो घोटा लगाते हैं लकड़ी का जो घोटा होता है, तो मैं साथ साथ इसलिए कुछ कुछ देर बाद मैंने इसको किया, और अब मैंने इसको अच्छी तरह इसलिए
मैश कर लिया। अगर आप चाहते हैं उसमें वो जो ग्राइंडर होता है वो हैंड ग्राइंडर उससे का आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आपको ये तैयार हो चुकी है, अब मैं बताती हूँ तड़का लगाने का। और इसमें नमक डालते एहतियात करें, वो जो कनौर की टिक्की थी वो बहुत नमकीन होती है, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें एहतियात से डाली हैं। और अब मैं इसको तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, वो लोग तेल या किसी चीज का तड़का लगाते, थोड़ा सा डाल देते हैं पकते वक्त, तो वो उस लोगों ने बस खाना होता है, लोगों को पता नहीं चला इसको तड़का लगाया या नहीं। लेकिन जो तड़का कई जगह लगता है तो उसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया हाफ कप, और हाफ कप से थोड़ा कम या ज्यादा कर जैसे, और ये जीरा मैंने डाल दिया मुझे जी। ये अब बीच में हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी इसका दाल का असर जो असल में पीला होता है ना ज्यादा, वो हल्दी ज्यादा उन्होंने डाली होती है। पकाते वक्त भी ये आपको दिखाया था मैंने, हाफ टी स्पून में हल्दी डालती है। और अब मैं इसमें ये वाली जो मिर्च होती है कड़वी वाली, ये साबुत सुरख सॉरी, ये मैं आप जितनी मर्जी डाले, मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी है, मैं दो ही डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ, देता हूँ लीजिए। अब मैं इसको तड़का लगा लीजिए, ढाबा स्टाइल दाल मिक्स दाल तैयार है। जो दाल चावल उसका यदि आप अपने मुताबिक गाढ़ी जिस तरह रखना चाहते हैं, और प्लीज को अच्छी तरह घोंट लें, क्योंकि उन्हें घोटा होता है बहुत ज्यादा घोटने से ना। तो उसके बाद ये कि ऊपर थोड़े से वो प्याज भी डाल के देते हैं ऊपर, चलो मैं भी डाल लेते हैं ऐसे, दिल कर रहा है देखने देख के कि प्याज भी थोड़े से डाल दिए जाए। और ये है कि समीना के जो है, समीना की दुनिया, उसमें आप जरूर चेक करें। लीजिए ये तैयार हो चुके हैं ना। और मैं समीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, अगर आप भी इसी तरह कोई चीज जो बाजार में खाते हैं दिल चाहता है घर में बना खाएं तो जरूर आप रिक्वेस्ट करें, मैं आपके लिए वो चीज बना के दिखाऊंगी। और समीना के चैनल पे जरूर जाएं, समीना की दुनिया चैनल का नंबर मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत उसका अच्छा चैनल है, आप जरूर एक दफा विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चले ठीक है, बनाए और खाएं, और फिर मुझे जरूर बताएं कि ये आपको ये जो ढाबा स्टाइल दाल है ये आपको कैसे लगी। ओरिजिनल ढाबा ही है, ढाबा स्टाइल के ढाबे के वालों की ये दाल है। चले ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मजेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।